इसका मीन वन है। ये एक सिस्टम में मैच कॉलम सवाल है, इसमें चार ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, उसके रिलेटेड आपको चार ऑप्शन रिजल्टेंट दे रखा है। हम लोग जैसे यहां पे अगर तुम देखो तो ए का कॉलम वन में म्यू वन का वैल्यू जीरो और म्यू टू का वैल्यू 0.1 है, और आगे क्या है हम देखेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे। अब बताइए सीधी सी बात है कि अगर ये सरफेस स्मूथ हो जाए पूरा सिस्टम स्लाइडिंग कर जाएगा, यहां पे कंटेक्ट बना ही नहीं रहा, यहां पे कंटेक्ट बना रहेगा लेकिन ये स्लाइडिंग कर जाएगा, मतलब गिर नहीं जाएगा सीधा सीधा भाई, इसको रोक कौन रहा है? इसको नहीं रोका लेकिन वहां फ्रिक्शन है ना, तो वही तो बोल रहे फ्रिक्शन है तो जीरो इसमें है ना, लेकिन इसमें तो तुमको उससे क्या मतलब, इसके फ्रिक्शन से यहां पे रुके रहने का कोई मतलब है? कैसे मतलब है नहीं समझा तुम, चलो सुनो, देखो क्या करो, किसी एक का एफपीडी बना दो, नहीं आप ये बताइए कि अगर 1 kg का एफबीडी बनाइएगा तो 1 kg में फ्रिक्शन कितना लगेगा, ऊपर कितना फ्रिक्शन 40 लगेगा, जीरो, जिसका वैल्यू होता है म्यू एन, ये जो 10 था ना उसमें चला गया है, अब ये 10 थोड़े है, 10 का काम बस एन देना था और कुछ है, तो फिर आप 10 क्यों सोच रहे हो, इसमें भी तो लगेगा, अब सुनो अब सुनो, हाँ बिल्कुल ठीक है, इधर कितना लग रहा है 10g लग रहा है, इधर 10g लग रहा है, तो और ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगा है, तुम ये कह रहे हो ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाया है किस डायरेक्शन में, ऊपर, ये ब्लॉक ये नीचे जा रहा है तो ऊपर लगाएगा, नहीं वेरी गुड, ऊपर लगाएगा कितना f, जो 10 बड़ा, अब बताइए ये f कितना हो सकता है, ये जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहां पे लिमिटिंग हो सकता है वो कितना हो सकता है, 0.1 इंटू 10 मतलब 1, क्या करेगा, रोकने वाला है इसे कोई, गिरेगा ना, गिरेगा क्या करेगा ये, किस वेलोसिटी से गिरेगा, मतलब सॉरी किस एक्सेलरेशन से गिरेगा ये, फ्री फॉल करेगा बाबू, चुपचाप गिर जाएगा, इस ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना डेवलप, ये फ्रिक्शन यहाँ देखो इसको इस ब्लॉक से बने रहे, ये ब्लॉक के बीच कंटेक्ट बना रहा, देखो ये ब्लॉक के बीच कंटेक्ट बना रहा नहीं बना रहा, ये नहीं है, ये जो फ्रिक्शन है ये इसे क्या करेगा, इस ब्लॉक के बीच कंटेक्ट बना रहे थोड़े हेल्प करेगा, ये तो यहाँ पे कंटेक्ट फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं समझे बात को, छोड़ो वो सब बात छोड़ो, आप ये बताइए कि नेट एफबीटी अगर बनाइएगा तो क्या, वो सब बात छोड़ो, अगर हम नेट एफबीटी बनाए तो नेट कितना लग रहा है, नीचे नीचे 22g बोलो, और ये वही सिचुएशन है, फ्रिक्शन यहीं पे है, डेवलप है कि नहीं है, कितना बोलो, क्या हुआ, फ्री फॉल नहीं करेगा, नहीं समझे बात को, तो फ्री फॉल करेगा, दोनों दोनों फ्री फॉल करेगा, ये जो फ्रिक्शन तुम कह रहे हो ना, ये फ्रिक्शन एक दोनों ब्लॉक चिपक के फ्री फॉल करेगा, दोनों सेम एक्सेलरेशन से, ये तो फिर वही बात होगी ना, दो ब्लॉक है समझे, और दोनों ब्लॉक क्या हो रहा है, ये दोनों ब्लॉक फ्री फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है इसीलिए दोनों चिपक के फ्री फॉल कर रहा है, समझे बात को, क्लियर है, पहला वाला तो आपका सीधा सीधा तो वो फोर्स लगा उसका कोई भी न्यू एन था ना फोर्स, हाँ वही बोल रहे ये एन, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एन 10 न्यूटन हुआ ना, यस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू 10 का काम तो था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ही नहीं रहा तो नॉर्मल लग के क्या करेगा, आई बात समझ में, इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, इसका आंसर हो गया बोथ मूविंग टुगेदर, नहीं ये हो गया इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 10 m/s, इसका मतलब फ्री फॉल किया, कोई दिक्कत, पहला वाला क्लियर हो गया, दूसरा वाला देखिए इसमें क्या किया, दूसरे वाला में उल्टा कर दिया, ये चीजें उल्टी कर दी, बदलेगा सिचुएशन, अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो नहीं होगा, समझे, फिर दूसरा वाला केस क्या, दूसरा वाला में कह दिया है कि हमारा जो ना म्यू टू जीरो है और म्यू वन 0.1 है, हम लोग अभी फिर से मानेंगे बोथ मूविंग टुगेदर, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, बोथ मूविंग टुगेदर मानते हैं, ठीक, तो
तो बोथ होलिंग टूगेदर का मतलब ये हो गया कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है ऊपर न्यू एन, मतलब न्यू वन का वैल्यू 0.1 इंटू एन का वैल्यू कितना है 10, कुल मिला के ये हो गया आपका 1 और नीचे कितना लग रहा है 20। अगर बोथ होलिंग टूगेदर है इसका ये मतलब हुआ कि कॉमन एक्सेलरेशन होना चाहिए, है कि नहीं पता है, कॉमन एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 20 - 1/2 कितना है 2 kg, तो बताइए 19/2 मतलब हुआ आपका 18.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या दोनों 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरेगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, किसी दोनों में बड़ी बनाते हैं किसी एक का, तो देखो हमको तो इसका चेक करते हैं, बताइए यहाँ पे इसका मास कितना है 1 kg कितना लगेगा 10 और इसका फ्रिक्शन कितना है 0 ऊपर, ऊपर कितना हो गया 0, नीचे ये कितना, ये तो कुछ है ही नहीं, यानी इसको रिपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है तो ये फ्री फॉल कर ही सकता है, नहीं ये तो फ्री फॉल करेगा फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया आपका कितना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस बॉडी में 10 प्रोड्यूस हो सकता है ना, गुड, मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है 10, लेकिन क्या होगा, रुक जाओ, ये ब्लॉक भी जिस पर फ्रिक्शन लगाएगा लेकिन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो 0 है, न्यू 2 का वैल्यू तो 0 है, तो ये 10 से चुपचाप गिर जाएगा, फोर्स का तो कोई वैल्यू नहीं, फोर्स का वैल्यू है आपका म्यू है, एन नॉर्मल है, वो नॉर्मल है तो लेकिन फोर्स से भी ब्लॉक गिर रहा है, उसको यदि लगाएं तो रुके ना, फ्रिक्शन की वजह से रुकता है ना, तो वही नॉर्मल तो चला जाता है फ्रिक्शन में ना, वहां जो किए थे, हाँ तो वहां भी तो वही किए थे, देखना चेक करना ये स्मूथ में नहीं किए थे, कितना फोर्स लाया जो स्लाइड होने से बच जाए, स्लाइड होने से बच जाए सरफेस अगर रफ हो तो, जो आप बताए देंगे उसको फ्री फॉल करने के लिए उसका mg उसका रिस्पॉन्सिबल, mg के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तब ना, ऊपर में वहां वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वर्टिकल फोर्स होता है ना, तो वर्टिकल आप तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हॉरिजॉन्टल मोशन करवाएगा ना, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है यहां पे, लेकिन वहां तो रुक गया निकाले थे, ये बोल रहा है कि सर ये आप बोले थे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है मान लो ये 10 न्यूटन का ना, और ये कह रहा है कि ये 10 न्यूटन का नहीं सॉरी एफ कितना ना, तो नीचे स्लाइड, नीचे स्लाइड आता है, तो नीचे स्लाइड कर रहा है किस फोर्स से, ये एमजी से, इसका मतलब इसको इस तरफ फोर्स कितना लगना चाहिए एफ बराबर एमजी लगना चाहिए कम से कम, तो ये फ्रिक्शन ये मतलब यहाँ पे फोर्स इसका कम से कम कितना होगा, इसका मास मान लीजिए अगर 5 kg होता तो कितना हुआ 50 न्यूटन, अब ये फोर्स 50 न्यूटन कहाँ से आएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आएगा जिसका वैल्यू होगा आपका म्यू एन के बराबर, और ये एन कौन देगा एफ, तो हम लोग यहाँ पे म्यू एफ किए थे फिर बाद में इसको सॉल्व करते थे, यही तो था, ये एन देता है एफ, आया एफ का न्यू टाइप्स ऑफ एफ होना चाहिए, तो ये नहीं स्लाइड करेगा, यहाँ पे नॉर्मल सी बात हो गई कि बोथ मूविंग टुगेदर में हम लोगों के साथ ये था कि दोनों को 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैक्सिमम एक्सेलरेशन मूव करना चाहिए था, ठीक है, जिसमें से क्या हो गया कि आपका ये वाला ब्लॉक फ्री फॉल कर जा रहा है जिसका ऑप्शन कहीं है ही नहीं आपका, हाँ ए का आपका है एक्सेलरेशन भी है, हाँ सही है ऑप्शन है आपका 9.5 वाला, अच्छा ये ए का देखते हैं क्या हाल है, ए का अगर हम ए की बात करें तो ए के बीच यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है ओनली 1, नीचे कितना लग रहा है 10 नहीं, तो अगर ये मोशन करेगा ऐसा तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये मोशन करेगा तो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया कितना 9 और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑप्शन।
क्यों, बिल्कुल समझे बात को और बता भी देते हैं सही है सारे। हाँ बी का क्यों करेक्ट, करेक्ट होना ये है, नहीं समझे समझे बाबू समझे ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि फ्रिक्शन ना यहाँ पे हुआ क्या कि इसके बीच फ्रिक्शन है नहीं तो चुपचाप ये इसको रोकने वाला कोई है, जो है वो तो मर गया मतलब जीरो, ये चुपचाप फ्री फॉल कर जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फ्री फॉल से मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी से, और इसे रोकने वाला कोई है कितना 1 न्यूटन का ऊपर नीचे mg 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 माइनस 1 नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस पे 9 और 9 बाय 1 कितना हुआ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी आपका हो गया 9, इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया आपका 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ बी आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। गुड, अगला सवाल आप लोग बनाइए, तो ऑप्शन देते हैं आप लोग बनाइए ठीक है। न्यू का वैल्यू देते हैं और आपको सिचुएशन बनाना है, दो सवाल और है इसमें, क्या ये दोनों सवाल होमवर्क दे दें? अब समझा दिए कि कैसे बनाना है, बस न्यू का वैल्यू दे देते हैं और होमवर्क देते हैं, चेक करिएगा क्या क्वेश्चन भेजे। हाँ भेजे हैं, तीसरा तीसरा है लिखा देते हैं बोर्ड पे लिखा देते हैं, तीसरा है कि अगर म्यू वन का वैल्यू 0.1 है और म्यू टू का वैल्यू 1.0 होगा तो क्या हाल होगा दोनों के एक्सेलरेशन का। ऑप्शन ऐसे दे रखा है लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बिना ऑप्शन का, जैसे अभी बिना ऑप्शन का मतलब आंसर निकाले ना, आपको भी बिना ऑप्शन का आंसर निकालना। और अगर म्यू वन का वैल्यू 1.0 हो और म्यू टू का वैल्यू 0.1 हो तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का क्या होगा ठीक है। एक केस है इसमें स्लाइडिंग का, ध्यान दीजिएगा आपको खुद पता चल जाएगा जब उसको आप सॉल्व करिएगा, नोट कर लीजिए। आइए थ्री ब्लॉक सिस्टम करें, थ्री ब्लॉक सिस्टम में क्या कहानी है वो देखिए ठीक है। तो थ्री ब्लॉक सिस्टम ठीक है, अब देखो दो सिस्टम, अभी हमने क्या सीखा है कि दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगाना सीखा, तीनों ब्लॉक पे फोर्स लगा सकते हैं, मतलब मेन मैकेनिज्म पकड़िए उसके बाद तो उसमें एडिटिंग होते रहेगा, इधर फोर्स लगा दो आगे फोर्स लगा दो दोनों, तीनों फोर्स आगे लगा दो, दो आगे एक पीछे लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। अब नेट फोर्स निकालने आ गया ना, निकाल लीजिएगा ठीक है। तो मेन मैकेनिज्म हम बता देते हैं आपको कि करना क्या है, अटेम्प्ट कैसे लेना और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाइएगा अपना। आपके मन में जो भी सवाल आएगा सवाल को लिख लीजिएगा, वैल्यू अपने मन से डाल दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, दिखाइएगा सही सही है ठीक है। थ्री ब्लॉक सिस्टम में हमने मान लो एक सवाल दिया और इसमें हमने आपको ये सरफेस दिया है, एक 7 केजी का ब्लॉक है, एक मान लो 3 केजी का ब्लॉक है, एक मान लो 2 केजी का ब्लॉक है ठीक है, समझ गए। नाम इसका ए बी और सी दे देते हैं, अभी तत्काल आपकी सुविधा के लिए इस सरफेस को स्मूथ कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। परेशानी क्या पड़ेगा, नेट एफबीडी बनाएंगे तो नेट फोर्स दिखाएगा और क्या, समझ गए बात को। बोलो यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 और यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 दे देते हैं और फोर्स यहाँ पे लगाते हैं 10 न्यूटन का। हमसे पूछा गया है तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बिटवीन दी ऑल दी सरफेसेस, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले आपको एक ही देखो, हमने क्या सोचा था स्टार्टिंग, आपको देखो ए मैक्स निकाले थे और ए मैक्स निकालने का मकसद क्या था, ऑल सिस्टम मूविंग टुगेदर विद दैट एक्सेलरेशन और उस एक्सेलरेशन से हम लोग मैक्सिमम फोर्स लगाए थे जो रिक्वायर्ड था, मतलब तो मेरा पर्पस कहीं ना कहीं था कि सबसे पहले हम लोग क्या करें अपने मने मन ये एज्यूम कर लें कि पूरा सिस्टम मूविंग टुगेदर और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा मानना सही था, अलग अलग केस में तो सही करेंगे। तो हम लोग शिक्षा से मान लेते हैं कि ऑल सिस्टम मूविंग टुगेदर, नहीं लेट नहीं सिस्टम मूविंग टुगेदर, सिस्टम मूविंग टुगेदर, अगर सिस्टम मूविंग टुगेदर होगा तो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स कितना, टोटल मास कितना, 7 × 10 12 केजी, नेट पुलिंग फोर्स कितना है 10, क्या पीछे की तरफ कोई फोर्स है
अगर ये देखो ये स्मूथ है, अगर रफ होता तो किसी तरह फोर्स होता, नेट कूलिंग फोर्स निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। समझ गए? गुड। तो आप बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेट कूलिंग फोर्स बाय टोटल मास कितना हो गया 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कॉमन एक्सेलरेशन आया। अब हम लोग चेक करेंगे कि हर बॉडी इस एक्सेलरेशन से मूव करेगी कि नहीं करेगी। नहीं आई तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए लिमिटिंग। अब ये बताएंगे ये ब्लॉक क्यों चलेगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस पे फोर्सन आगे की तरफ लगाएगा, इसलिए ये ब्लॉक चलने का चांस है। ये वाला ब्लॉक क्यों आगे चलेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा, तभी ना। गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दो जगह लिमिटिंग आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ तो लिमिटिंग है नहीं, एक यहाँ पे लिमिटिंग निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे लिमिटिंग F1 मान लेते हैं और F1 लिमिटिंग, तब मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा म्यू एम, म्यू का वैल्यू इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच के लिए कितना होगा सर, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच के लिए म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2, और एम कितना हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा 2g 4, ठीक है, कुल मिला के 4 न्यूटन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये दोनों बॉडी का क्या हाल है, मतलब पहले मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम 4 आया, और यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा सर इन दोनों ब्लॉक के बीच F2 मान लेते हैं, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स बी एंड ई कितना हो जाएगा म्यू एन, म्यू का वैल्यू कितना है 0.3 और एन का वैल्यू 5 × g 15 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको दो ब्लॉक सिस्टम ना मान के 2 ब्लॉक सिस्टम मान लीजिए, 2 ब्लॉक मतलब एक से एक से ये वाला। अब इन दोनों को देखते हैं कि ये जो सिस्टम है क्या ये सिस्टम इस एक्सेलरेशन से चल पाएगा कि नहीं, है ना। बोलो, गुड। नहीं समझे बात को, ये जो है ना ये इंटरनल फ्रिक्शन हो गया, ये फ्रिक्शन इनके मोशन, देखो इस सरफेस के बीच मोशन के लिए क्या ये फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, नहीं ना है, बस यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होने की वजह से ये इसके ऊपर बना रहेगा, टिका रहेगा, अब भले जो भी हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो यहाँ से मतलब है ना, ये अब कुछ रहा ही नहीं, अब यहाँ पे फ्रिक्शन लगे कुछ और लगे हमको क्या मतलब, हमको तो 5 kg दिख रहा है, नहीं समझे, हमको तो अब 5 kg दिख रहा है, तो 5 kg पे फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ, कौन सा फ्रिक्शन, बोलो। और हम चाहते हैं कि इस 5 kg में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो, एक्सेलरेशन 5/6 प्रोड्यूस हो, क्या हो सकता है सर, आइए चेक करते हैं। तो F बराबर ma 5 × 5/6 मतलब 25/25/6, ये 25/6 का मतलब हो गया कि 6×24 मतलब 4 point something। अब ये बताइए ये फ्रिक्शन फोर्स है ना सर, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसको इस ब्लॉक को इस एक्सेलरेशन से चलने के लिए कितना रिक्वायर्ड अमाउंट में फोर्स चाहिए, 4 point something, क्या यहाँ पे उतना फोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे इतना फोर्स अवेलेबल है, हाँ अरे मैं 15 है तो 4 ही मांगा है, देगा आराम से देगा, नहीं समझे भाई, यहाँ पे कौन मोशन करवाएगा फोर्स। अब इस एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन से सोच रहे हैं तो 5/6 करवाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 25/6 चाहिए, मतलब 4 point something चाहिए, क्या यहाँ पे इतना फोर्स अवेलेबल होगा तब ना प्रोवाइड होगा, अवेलेबल तो है 15, 4 आराम से देगा, 15 तक देख सकता है, या तो 4 ही जरूरत है, 4 देगा, इसका मतलब ये सिस्टम तो पक्का मूविंग टूगेदर होगा, मतलब ये वाला पूरा सिस्टम जो है वो आपका मूव करेगा विद एक्सेलरेशन 5/6। अब आते हैं 3 और 2 के बीच, फिर 2 ब्लॉक सिस्टम आ गया आपका, नहीं अब आप ये बताइए ये हो गया 3 kg, नहीं समझे, ये हो गया 3 kg और ये हो गया 2 kg, बताइए ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 5/6 से, इसका मतलब 2 को भी 5/6 से मूव करना ही पड़ेगा, क्या 2/5 ये 2 kg 5/6 से मूव कर पाएगा, चेक करते हैं भाई 2 kg को आगे मूव करवाने के लिए कौन, इनके बीच लगने वाले फ्रिक्शन, तो इसका अगर एफबीडी बनाए 2 kg का, समझ पाए फ्रिक्शन आगे किस एक्सेलरेशन से हम चाहते हैं मूव करवाने के लिए 5/6, अगर हमारा चाहना गलत है इसका मतलब सही नहीं होगा, 5/6 मास कितना है इतना, तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स मतलब फोर्स रिक्वायर्ड मास इनटू एक्सेलरेशन, 5/6 मतलब 10/6 कितना है 2 point something मतलब 1 point something 1.67 के आसपास,
जो भी है इतने न्यूटन फोर्स चाहिए हमें, अवेलेबल कितना है? फोर मिलेगा नहीं मिलेगा? फोर देगा ना। अवेलेबल यहाँ पे कितना है? यहाँ पे अवेलेबल फोर है, फोर में से हमको तो वन ही चाहिए, वन पॉइंट समथिंग चाहिए। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब पूरा सिस्टम मूविंग टूगेदर विद एक्सेलरेशन फाइव एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम कितना जो लग रहा है? देखो यहाँ पे 1.6 लग रहा है, यहाँ पे लग सकता था कितना? लग सकता था 15, लेकिन लग पड़ रहा है 4.6। थ्री ब्लॉक सिस्टम कुछ था, दो ब्लॉक से आसानी था, दो ब्लॉक पर समझ गए, थ्री ब्लॉक में कुछ है। अगर बीच में लगेगा तो आइए अगर क्या लगा देते हैं। सवाल यही रहेगा, अगला सवाल आप लोग करिएगा बेटा। ऐसे लिमिटिंग का वैल्यू तो हमको लगता नहीं बदलेगा, रहने देते हैं। लिमिटिंग निकाला हुआ है, बस अब हम लोग क्या करते हैं, बीच में लगा देते हैं इसी कैन को, ठीक है? आपकी सुविधा के लिए या आपकी इच्छा के अनुरूप इसको हम लोग बीच में लगा देते हैं। अब ये कैन यहां नहीं, मान लो कोई भी फोर्स होगा, अब ये कैन कहां लगा है? यहां पे। फिर भी हम लोग क्या मानेंगे? लेट मूविंग टूगेदर, ठीक है? हमने क्या माना? लेट मूविंग टूगेदर, कोई दिक्कत आप चेक करते हैं क्या सब लोग इसी एक्सेलरेशन से चल रहे हैं कि नहीं, ये करेंगे। गुड, तो क्या करें? सबसे पहले हम लोग इस पे लग रहा है तो हम लोगों को अलग अलग एपीटी बनाना पड़ जाएगा इस बार। कोई दिक्कत नहीं है, ये दो ब्लॉक सिस्टम होगा, इसको उड़ा दो, बाद में देखा जाएगा क्या। तो हम लोग किसको चाहते हैं? 2 kg को चाहते हैं मूव करवाने के लिए आगे की तरफ। सेवन केजी का हाल जरा देखो, तो सेवन का हाल क्या है? सेवन के ये ब्लॉक इसे आगे ले जाना चाहेगा, फ्रिक्शन लगाएगा, बोलो। और ये ब्लॉक इसको देख रहा है कि आगे जा रहा है, तो भाई हम दोनों पे फ्रिक्शन कौन सा वाला? सॉरी हाँ 2-3 पे, तो कभी किसका एपीटी बना रहा है? सेवन का बना रहा है ना, तो सेवन पे देखिए फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे स्मूथ है। और ये 3 लगाएगा फ्रिक्शन, जो कि इस डायरेक्शन में लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि 7, देखो 7 को मैक्सिमम फ्रिक्शन 15 मिल सकता है, देख रहे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाएगा बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। रिक्वायर्ड इस 7 ब्लॉक को हम चाहते हैं कि 5 या 6 से मूव करे, तो बताइए इसको कितना चाहिए? एफ बराबर कितना? 5 by 6 into 7 मतलब 35 by 6 मतलब 6×5=30 5.8 के आसपास। आप इस ब्लॉक को 5/6 एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए लगभग 6 न्यूटन चाहिए, 15 न्यूटन अवेलेबल है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मूविंग टूगेदर नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आइए 2 kg का हाल देखते हैं बेटा। ऐसे समझ पाए सवाल को? बोलो सिचुएशन समझने के बाद ना सवाल ऐसे उड़ेगा चुटकियों, कुछ कम नहीं है, बस सब मूव आया है। इस 2 kg को हम चाहते हैं कि 5/6 से मूव करे, है ना? यहाँ पे इसको मूव करवाएगा कौन? 3 kg जो 2 kg पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा वही ना रे, बोलो। तो 2 kg पे फ्रिक्शन लगा है आगे, कितना लग सकता है? बताइए 2 × 5/6 मास एक्सेलरेशन कितना हुआ? 10/6 इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.6 अवेलेबल है, अवेलेबल। हाँ मतलब ये लगा सकता है इतना? यस लगा सकता है, तब मूव करेगा। 1.6 मूविंग टुगेदर, कोई दिक्कत? तो हर ब्लॉक मूविंग टुगेदर। आई बस मुझे 3 तो मूव कर ही रहा है, 3 का मीटिंग बनाओगे तब भी वही आएगा नहीं? अच्छा मूविंग एक्सेलरेशन विद दैट एक्सेलरेशन ही है ये ना, क्योंकि देखो 3 में जब एपीटी बनाओगे तो देखो 3 में 10 है पीछे, फ्रिक्शन कितना लग रहा है आपको पता है? पीछे कितना बनाएगा पता है? अगर आप चाहोगे ना तो इसका एक्सेलरेशन अनुमान मान लो, देखना 5/6 आएगा क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे आपको पता है, कोई दिक्कत? तब सब मूविंग टुगेदर। लास्ट वाला केस है इसमें स्लाइडिंग, जब ये टेन ऊपर चला जाएगा। लेट ऑल ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन 5/6। आइए चेक करते हैं,
अब बताइए इसको आगे जा रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में 5/6 से जाएगा, इसका मतलब ये इसे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा आगे की तरफ, बिल्कुल 3 kg को फ्रिक्शन किधर मिलेगा आगे की तरफ, हम चाहते हैं कि इनकी एक्सेलरेशन से जाए 5/6, तो इसका फोर्स रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, F इक्वल टू 3 × 5/6 कितना 15/6 मिल पाएगा 6 × 12 कितना है अवेलेबल यहाँ पे फोर्स 2.4 मिल रहा है 2.5 कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, इसका मतलब 2 और 3 जा सकता है सेम एक्सेलरेशन से। 7 kg का क्या है, अच्छे आओ चेक करें, मिटाई से देखो, अच्छा फ्रिक्शन तो ऊपर लग रहा है ना, तो पहले हम 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर दें इसे, हाँ वही करते हैं, पहले 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं हाँ इसे क्या करते हैं 7 और 3 को एक साथ कर देते हैं, और ये फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक जाएगा, सॉरी मिस्टेक हुआ, 7 3 नहीं, इस पूरे सिस्टम को अगर 5/6 ले जाना चाहिए तो फ्रिक्शन ये तो एप्लीकेबल है, ये तो कनेक्टेड फ्रिक्शन है, ये गाय वाला फ्रिक्शन है, जब 7 3 10 kg आएगा तो ये फ्रिक्शन अवेलेबल, हम चाहते हैं कि 5/6 से अवेलेबल हो, सॉरी गलती हुआ यहाँ पे स्लाइडिंग होगा, चेक कर लेते हैं ये समझे, हम चाहते हैं अरे भाई यहाँ पे ये सिस्टम जाएगा तो यही फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा इन दोनों को आगे ले जाने के लिए ना, नहीं हम ये मान के चल रहे कि ये दोनों एक ही सिस्टम है, के बाद में उसका क्रियाक्रम करेंगे, तो F इक्वल टू 10 × 5/6 बराबर F, तो 50/6 हो गया, अरे 25/3 हो गया, कितना हुआ 8 × 24 कितना 8.33 यहाँ पे फ्रिक्शन और ही अवेलेबल है, इसका मतलब स्लिपिंग हो जाएगा, सॉरी 3 kg का पीडी बना रहे, गलत बना था पीडी पिछला बार याद है तुमको जो आया था, क्योंकि इधर फ्रिक्शन यहाँ भी तो फ्रिक्शन लग रहा है किसी तरह, वो कहाँ सो किए थे, नहीं सो किए थे इसीलिए गलत आया था, ऐसे करेंगे जब भी किसी एक पे लगे, दो बीच में लग रहा था देखो दोनों को सेपरेट कर दिए, इधर लग रहा था एक सिस्टम, इधर लग रहा था एक सिस्टम, दो सिस्टम, एक से मोर तो मैक्सिमम तो फोर ही लग सकता है, इसीलिए तो स्लाइड ये तो नहीं करेगी, फोर चाहिए ना इस एक्सप्रेशन से, फोर ही बोले लेकिन उसमें यहाँ पे फोर लग सकता है और हमको 5/6 से मूव करवाना है, इतना तो इतना चाहिए, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ऊपर वाला ब्लॉक 5/6 से जा रहा है और नीचे वाला ब्लॉक ये जो सिस्टम है 5/6 से नहीं जा पाएगा, तो 2 kg और इनके बीच तो स्लिपिंग हुआ था इस सिस्टम के बीच, नहीं समझे, और हम ये कहां कह रहे हैं कि 2 kg 5 से जा रहा है, अगर जाता तो ये इसके साथ साथ नहीं जाएगा, अगर 2 kg थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा हो सकता है चांस बने, अभी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड फोर्स इतना है, मतलब ये तो पक्का है कि 2 kg और 3/7 वाला ब्लॉक मूविंग टुगेदर नहीं आएगा, सत्य हो गया, आइए अब 3 और 7 की कहानी देखें, अच्छा एक बात जरा बताओ 2 kg का एक्सेलरेशन 5/6 होगा क्या, 2 kg नहीं ना, वो मैक्सिमम है ना, 2 kg का एक्सेलरेशन 5/6 होगा क्या, और पीडी बनाते हैं, ये 2 है आगे फोर्स लग रहा है कितना है, इसमें पीछे लगेगा फ्रिक्शन, बोलो नहीं, और अब क्या हुआ कि यहाँ पे लिमिटिंग कितना है, लेवल है 4, लिमिटिंग 4 है, आगे 10 लगा, क्या ये 4 लिमिटिंग लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 4 ही 4 से ज्यादा लगेगा तो लिमिटिंग पूरा का पूरा लग जाएगा, इसका मतलब ये 10 − 4 बराबर 2a a = 6 3/2 3 m/s स्क्वायर से जाया, 5/6 से नहीं गया, 3 m/s स्क्वायर से गया, एक एक्सेलरेशन आ गया, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन इतना ये भी लग गया 4 N लग जाएगा, चलिए ये कहानी खत्म, आइए 3 और 7 के बीच की कहानी देखें क्या हुआ है, यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हो गया ना, और अगर हम बात करें यहाँ पे 3 और 7 की, नहीं ये 3 और 7 की, ये पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं, अब इस सिस्टम पे लगना चाहिए था हमको, अगर 5/6 से मूव करवाना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड 8 point something था, लेकिन नहीं लगेगा 8 point something, कितना लगेगा 4 लग जाएगा, 4 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लग गया है ना 10 के लगने से, तो यही 4 तो लगेगा हर जगह ना, 4 लग गया,
फोर लग गया, इसका मास कितना है? नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनका सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा। अब देखो, अब यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होगा कि हमें चेक करना पड़ेगा, ये पूरा सिस्टम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा, लेकिन अब देखते हैं स्लिपिंग स्टार्ट है कि नहीं है इन बिटवीन देयर, मतलब इसका एफडी बनाओ, नहीं होगा स्लिपिंग स्टार्ट क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि दोनों साथ साथ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। आओ चेक करके दिखाते हैं, समझ पाए यहाँ पे। आइए 3 और 7 का हाल देखें, 7 का एफडी बना लेते हैं। गुड, 7 का एफडी, 7 पे आगे लगेगा फ्रिक्शन, कितना पता नहीं, अवेलेबल कितना है 15। हम चाहते हैं कि 7.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करे, ये चाहते थे दोनों साथ साथ, इसका मास कितना है 7, तो बताइए 0.4 × 7 बराबर है 2.8 न्यूटन चाहिए, अवेलेबल कितना है बाबू 15, नहीं मिलेगा, आराम से चिल के साथ साथ चलेगा, समझ पाए थ्री ब्लॉक सिस्टम, समझ पाए। दो सवाल दे देते हैं थ्री ब्लॉक सिस्टम का, आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नहीं भेजे है ना, ग्रुप में सोल्यूशन के साथ भेज देंगे इसको, ठीक है, इसलिए जगह छोड़ दीजिएगा, क्या आप खुद से भी तो कर सकते हैं आप ना, सोल्यूशन के साथ हम इसका आंसर भेज देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन बच्चे भी नोट कर लीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। आइए दो सवाल होमवर्क दे देते हैं, इस पे जो करना है आपको, पता है फ्रिक्शन वाला सवाल में स्यूडो इन्वॉल्व करने का मन था, फ्रिक्शन इन्वॉल्व करने, स्प्रिंग इन्वॉल्व करने का मन था, लिफ्ट में फ्रिक्शन लगाने का मन था, लिफ्ट के अंदर स्यूडो है, वो सब जेई एडवांस करने का मन था, समय भी नहीं है, अगले सब कर लेंगे, संडे संडे कर लेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे बीच बीच में, आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। एडवांस में क्वेश्चन तब होगा जब मेंस में आपको कंप्लीट कमांड होगा, पहले मेंस पे कमांड करिए तब एडवांस के बारे में सोचिएगा बाबू, पहले मेंस पे तो कमांड कर दीजिए, नहीं समझे बात को, पहले एकदम मेंस को कंट्रोल में लाना है फिर एडवांस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सवाल होमवर्क के लिए आप नोट कर लीजिएगा, 3 ब्लॉक है आपके पास, सी है, डी है और ई है, यहां पे लग गया एफ, कह रहे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड दी ग्राउंड, सी एंड दी ग्राउंड इज 0.5, कोई दिक्कत, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इज 0.25 एंड फ्रिक्शन बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सी इज 0, बी एंड सी इज 0, कोई दिक्कत, जीरो देने में कोई आपत्ति आपको, बोलो तो, जीरो देने से कोई दुख तो बोलो, नहीं ना, तो सिंपल नीचे दो, हाँ, तो मास ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, मास इसका है ए का आपका 2, इसका 4 और इसका 5, हमसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन न्यूटन, ये है नहीं, फाइंड एफ मिनिमम, इस सिचुएशन को बनाए रखने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, टू काउस स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, एफ मिनिमम टू, नहीं टू काउस, काउस स्लाइडिंग बिटवीन, स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, हम चाहते हैं ए और बी के बीच स्लाइडिंग हो तो एफ मिनिमम कितना होना चाहिए, सवाल बिल्कुल आसान है, कर लेंगे, बहुत सुंदर, एक सवाल और नोट कर लीजिए, ये सी है, ये बी है और ये ए है, अब की बार यहां पे फोर्स लगना है एफ, द मास ऑफ ए, मास ऑफ ए इक्वल टू 30 kg,
मास ऑफ बी इक्वल टू 10 केजी और मास ऑफ सी इक्वल टू 20 केजी। सी का 20 केजी है ना। अब कह रहा है कि द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी इज म्यू 1। ए एंड बी, ए एंड बी इनके बीच ना ये वाला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, समझ गए, ए एंड बी के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है आपका 0.3, कोई दिक्कत नहीं। बी एंड सी इज म्यू 2। बी एंड सी यहां पे लगेगा, बी एंड सी बोलो हाँ, इसका वैल्यू म्यू 2, जिसका वैल्यू दे रखा है आपको 0.2। एंड लास्ट जो म्यू 3 है यहाँ पे भी आपका म्यू 3, इसका वैल्यू है 0.1। हमसे पूछा है लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स F, नहीं लीस्ट मतलब मिनिमम फोर्स स्टार्ट मोशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री ब्लॉक रेस्टिंग अपॉन द अनदर एज शोन इन फिगर। कह रहा है दी फाइंड दी यदि लिस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्टार्ट द मोशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री ब्लॉक्स रेस्टिंग अपॉन वन अनदर एस ऑन जी का वैल्यू टेल लेना है। ऑप्शन आपके पास है, पहला 60 न्यूटन, दूसरा 90 न्यूटन, तीसरा 80 न्यूटन और चौथा 150 न्यूटन। ठीक है, क्या आंसर बता दें आपको? नहीं ना, आंसर नहीं बताते हैं, आंसर जब आप बना लीजिएगा फिर हमसे आंसर पूछिएगा, उसके बाद हम बताएंगे और फिर उसको करेक्ट करिएगा। क्या बना लेने के बाद आंसर पूछिएगा हमसे। तो थ्री ब्लॉक सिस्टम भी आपका हो गया, अब थ्री ब्लॉक करेंगे, फोर ब्लॉक में क्या फर्क पड़ता है?